And there has been no concerted effort in past 70 years. The people who have become member of parliament in India from Gujar community, they could not do anything to revive the history of India. I am assuring you, I will be fighting the next member of parliament election from Saharanpur. And I make a pledge in front of you. आपके सामने सौगंध खाता हूँ कि उन पांच साल में मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद गुर्जर समाज का इतिहास जो लंदन में छुपा के रख दिया उसको सामने लाके रखूंगा हिंदुस्तान में आप सबके सामने. मैं चार बार लगातार विधायक रहा हूँ. तीन बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी रहा है मेरे पास, लेकिन छोटे से राज्य उत्तराखंड में काम करने का मजा नहीं आया. अब सोच रहा हूँ दिल्ली में आऊ. जो प्रतिभा मेरे अंदर है उच्च शिक्षा और ज्ञान की, पहलवान की, विद्वान की और किसान की, वो जाकर के पार्लियामेंट के पोडियम में आनी चाहिए, विधानसभाओं के लायक नहीं है. गुर्जर रेजिमेंट को लेकर के बात होती रही, इतिहास को लेकर बात होती रही, लेकिन दुख की बात है 1952 से 2022 आ गया, गुर्जर रेजिमेंट नहीं बनी, ना ही आपका इतिहास लंदन की लाइब्रेरी से आ सका. दुर्भाग्य की बात है. मुझसे टीवी वाले पूछ रहे थे इस कार्यक्रम का क्या फायदा है. मैंने कहा कार्यक्रम का यह फायदा है कि अपने पूर्वजों के विषय में मान अभिमान और ज्ञान जब युवाओं को होगा तो सीना ठोक करके गएंगे, जैसे 57 साल की उम्र में 54 इंच का सीना हिला के कहता है चैंपियन कि मेरे शेरों चैंपियन बनो. जब 57 साल में ऐसा हूं तुम 27 में क्यों नहीं हो सकते. ऐसे मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्वालिफाई किया, एशियन चैंपियन बना, 4 बार विधायक बना. आप भी तो बन सकते हो. मेरे में शुल्क आपके ऊपर नहीं है. पसीना बहाओ, मेहनत करो. देखो शिक्षा से जरूरी है स्वास्थ्य. अगर मजबूत शरीर होगा तो मजबूत आपका दिमाग भी होगा. व्यायाम करोगे, ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी. अगर 80% लाते हो तो 90% लाओगे. जो काम भी करना चाहते हो, आर्मी में जाना, बिजनेस में, IAS, मेडिकल, राजनीति, कुछ भी करना चाहते हो उसको जी जान से करो. फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो. गुजरों के युवाओं, एक इतिहास बनाओ और दिखा दो हिंदुस्तान में और दुनिया में कि गुर्जर अलग थे, अलग हैं, अलग रहेंगे. गुर्जर होने पे अभिमान था, अभिमान है और अभिमान. जय हिंद, जय गुर्जर, जय उत्तराखंड. द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर्स एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल माय पीपल, द स्टूडेंट्स and the youth of India, the Gujars. What is Gujar? Gujars have been the defenders of the frontiers of the western part of India and they were called Pratihars. Pratihar means a Dwarpal. In order to know the present, you have got to know the past. But there has been a deliberate conspiracy to hide the history of Gujars by the Englishmen.